नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल पप्पू स्पोर्ट्स क्लब में स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, बीटीएससी आयोग की तरफ से, पटना हाईकोर्ट की तरफ से बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो हम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भर है और चाहते हैं काउंसलिंग के आधार पर यह वैकेंसी क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो स्वास्थ्य विभाग में न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, एजीसी एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम, जेएनएम, पैरामेडिकल, रेसर की न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग और पुराने वैकेंसी के रिगार्डिंग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से वीडियो को आने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग आपके मन में जितना भी डाउट है, इस वीडियो को देखने के बाद पूरे डाउट आपको समाप्त हो जाएंगे, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, नाइट में एक सवाल आप लोग पूछे थे, क्या सर ये वैकेंसी रद्द तो नहीं होगी? या रद्द हो जाएगी, बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट की वैकेंसी रद्द हो जाएगी। तो दोस्तों, हर एक वीडियो हम आपको बताएं, ये वैकेंसी कोई कीमत पे रद्द नहीं होगी, और ये वैकेंसी जो नियमावली पर वैकेंसी जारी किया गया है वही नियमावली पर क्लियर होगा, क्योंकि खुद सरकार आपको क्लियर कर दिया है और जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, नया नियमावली जारी किया गया, उससे ही स्पष्ट हो गया है कि ये वैकेंसी जिस नियमावली पर जारी किया गया उसी नियमावली पर वैकेंसी क्लियर होगा। दूसरा सवाल था आप लोग को, जो सर ये वैकेंसी कब तक क्लियर होगा? बोले लेटेस्ट आपको जो है ना, जुलाई लास्ट होते होते ये वैकेंसी आपको क्लियर हो जाएगा, जुलाई लास्ट होते होते आप लोग को ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा। दो सवाल था, तीसरा सवाल था यही जो एलपीए, सर एलपीए कब तक क्लियर हो जाएगा? हम पहले भी बता दिए हैं, एलपीए आपको जो है अप्रैल जाते जाते लास्ट अप्रैल तक एलपीए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड आपको हेयरिंग डेट 2 अप्रैल को है, 2 अप्रैल को दोनों तरफ से जो है अपना पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद जो है रिजल्ट रख लिया जाएगा और एक सप्ताह के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो इसलिए जैसे सिंगल मैच में हुआ वैसे ही डबल मैच में भी होगा। तो एलपीए आपको अप्रैल लास्ट होते होते क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 2 महीना उधर बच रहा है, 2 से 2.5 महीना उसमें आपको कौंसलिंग करवा के फाइनली ज्वाइन ले लिया जाएगा। ये बता दिए, हर चीज़ आपको बता दिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये हो गया एलपीए आपको अप्रैल में क्लियर हो जाएगा। दूसरा है जो ये तीसरा सवाल प्रश्न था और चौथा प्रश्न यही था जो सर जो नियमावली अभी 2024 लागू किया गया है, तो क्या ये 2018 के जो नियमावली पर बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, क्या उस पर ये लागू होगा? तो कतई लागू नहीं होगी। हम इसको आपको समझा भी दिए हैं डिटेल्स में, इस पर 5 वीडियो टोटल हम आपको बताए और हम आपको समझा भी दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा और ये नियमावली चेंज नहीं होगा, एलपीएम भी चेंज नहीं होगा और जो 2024 के नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जो बीटीएससी को पावर दिया गया है उसमें भी इसमें नियमावली कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर कोई कह रहा है वो गलत कह रहा है। चौथा प्रश्न था और वो आपको बता दिए 1.25 और 2.25 क्या था, पहले भी बता दिए है जो 2024 में बीटीएससी द्वारा जो भी वैकेंसी जारी किया जाएगा अगर एग्जाम लेगा तो जितना सीट पे जो है वह एग्जाम ले रहा है, जितना आपको वैकेंसी है उसका आपको 1.25 गुना आपको रिजल्ट देगा अगर एग्जाम पर ले रहा है तो, और नहीं अगर काउंसलिंग ले रहा है, अगर काउंसलिंग पर, तो जो आपको सीट है उसका 2.5 गुना काउंसलिंग में स्टूडेंट को बुलाएगा, ये भी हम आपको बता दिए। और नेक्स्ट प्रश्न आपको है, नेक्स्ट आपका सवाल था सर जो अर्चना दी मिलने के लिए गई थी, क्या मंगल पांडे जी से अर्चना दी मिले? तो दोस्तों, अर्चना दी जो मिलने के लिए गए थे उस दिन मंगल पांडे जी नहीं मिले थे, उनका पीएम मिले थे, और अभी आपको पहले भी हम आपको बता दिए, कई दफ़ा हम आपको बता चुके हैं, जो अभी आप भी देख रहे हैं जो चुनाव का जो है घोषणा हो गया, अर्थी हो गया, तो उसी में बिजी है इसलिए अभी समय नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे ही समय दे पाएंगे मंगल पांडे जी हम लोग मिलने के लिए जाएंगे और जिस दिन जाएंगे एक दिन पहले आप लोग को बता देंगे, आप लोग आ जाइए। और रहा एलपीओ वापस को लेके, तो पहले भी बता दिए एलपीओ वापस को लेके, तो कोई भी लीडर आपको एलपीओ वापस नहीं लेंगे, ये क्लियर नहीं होगा। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो अर्चना दी और सूर्य सर लोग मिले, ऐसा नहीं नहीं मिले, बट इस बार भी मंगल पांडे जी नहीं मिले, उनका पीए नहीं मिले, और बातचीत हुई, ज्ञापन दिए, हर चीज़ दिए, लेटर दिए, सब कुछ दिए,
तो मंगल पांडे जी मिलेंगे तभी तो फाइनली बातचीत होगा। मंगल पांडे जी अभी मिल नहीं रहे, चुनाव को लेके अभी भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, अभी देख रहे हैं इसीलिए नहीं मिल पाए। वैसे भी पहले भी हम आपको बता दिए, कोई भी लीडर सब हम सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, बस मंगल पांडे जी इसलिए मिलना है ताकि जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे उसी समय यह वैकेंसी निकल के आया था, बस इसलिए मिलना, और कोई दिक्कत नहीं। बाकी LPA का भी रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, तो आपके मन में जितना भी प्रश्न था तो सारे प्रश्न का आंसर दे दिए हैं। और कोई कह रहा है वैकेंसी रद्द होगा, तो वैकेंसी कोई कीमत पे रद्द नहीं होगा, जिस नियमावली पर वैकेंसी जारी किया गया है उसी नियमावली पर वैकेंसी क्लियर होगा, ठीक है। और इसे कोई नहीं बदल सकता, नहीं 2024 के नियमावली बदल सकता है, नहीं 2022 के नियमावली बदल सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल्स में अभी हम लोग 12 बजे लाइव आते हैं, तो आपके मन में जितना भी डाउट है सारे डाउट क्लियर करेंगे। और जो केस हुआ है, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट के द्वारा जो केस किया गया है उसको लेकर आप लोग को डर डर लग रहा है, जो कहीं हो सकता है वैकेंसी रद्द हो जाएगा, तो वैकेंसी कोई कीमत पर रद्द नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बेंच में भी आप देख लिए थे टोटल 18 केस हुआ था, सभी केस को मर्ज कर दिया गया। ऐसे ही इसमें भी जितना भी केस होगा सभी केस को क्या किया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि आयोग खुद जो है लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं आयोग नहीं लड़ रहे, आयोग खुद लड़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए सभी केस को क्या किया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। और LPA का जब रिजल्ट आएगा तो क्लियर आप लोग देख लीजिएगा, तो आपके मन में जितना भी डाउट था BTSC NM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग सारे के सारे हम आपको डाउट क्लियर किए हैं। दूसरी बात है न्यू वैकेंसी रिगार्डिंग, जब भी अपडेट आएगा, जैसे अपडेट आता है तो कल भी हम आपको सामने एक वीडियो बना दिए थे, आज भी अगर अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो बना के अपडेट कर देंगे, इसलिए आपको हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपके भाई हमेशा आपके साथ है। जो भी अपडेट आता है सबसे पहले हम आपको बताते हैं, और 2024 की नियमावली क्या कह रहा है वो तो हम आपको क्लियर कर समझा दिए। अगर कोई कुछ बता रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप उसे देखना नहीं है, उसे फॉलो नहीं करना, क्योंकि पूरी जानकारी हम आपको पूरा टोटल पाँच वीडियो बना के हम आपको बता दिए जो 2024 के नियम क्या कह रहा है। तो दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।